हमारे पड़ोसी थे तुम, उस एमएलए के यहाँ नौकरी करते करते उससे भी बड़ा घर खरीद लिया तुमने, है ना? अब आपसे क्या छुपाऊं दीदी, शाम होने से पहले काम निपटा लेना चाहिए ना। अब सिर्फ शादी का इंतजार है, अगर भगवान वरदान दे तो हम में से कैसी बीवी चुनोगे वेंकी? आप में से भगवान का वरदान? नो, मेरी रेंज थोड़ी सी बड़ी है, नॉट यू। हम में से लॉटरी के पैसे किसे दोगे ये बता दो। नहीं दूंगा। क्यों? पिछले महीने नेकलेस के लिए उसने ले लिए, सब्जियों के लिए इसने ले लिए, मेरी शादी के लिए ना मैं बीसी से ही उठा लूंगा। अगर तुम वेट करोगे तो मेरी बेटी की पढ़ाई खत्म होते ही उसकी शादी तुमसे करवा दूंगी। व्हाट इज शी स्टडिंग दीदी? नौवीं पासिंग, दसवीं में जाएगी। ऑलरेडी भिंडी पकिंग, आई कांट वेट। हेलो, अरे कुछ नहीं, अपना एमएलए पीए को पिक करने आया है, इतिहास में कहीं देखा है ऐसा? जाकर टीवी चैनल के ऑफिस में बता देना। सर मैं जाकर बिस्किट खा कर आता हूँ। अभी तो तुमने ब्रेकफास्ट किया था ना? मुझे शुगर है ना सर, हर घंटे में खाना पड़ता है। अगर मुझे किसी ने मार दिया तो? अगले महीने के पैसे मुझे दे देना। तूने कमाल कर दिया वेंकी, एमएलए का नाम लेकर तूने 4 रुपए कम करवा दिए। उनका नाम लेकर टेलर से ब्लाउज और फॉल्स पर भी डिस्काउंट दिलवाऊंगा। वेंकी सर आप कब आए? जब तुम औरतों से साड़ी फॉल्स पर डिस्काउंट्स के बारे में बात कर रहे थे ना, मैं तभी आया। लेडीज है ना, फैमिली के 10 वोट, आगे इलेक्शन आ रहे हैं। हाँ। तुम बहुत अच्छा एनालिसिस करते हो वेंकी, लेकिन ये हमारा एरिया नहीं है। अच्छा, मैं एमएलए हूँ वेंकी। बस करो अब, तुमने कहा शॉपिंग मॉल की ओपनिंग है, अभी तैयार होकर जल्दी आओ। सर ऐसे इंसान को क्यों रखा है, निकाल दीजिए। तुम कौन हो? ड्राइवर हूँ। मुझे सलाह दे रहे हो, तुम्हें तो नहीं निकाला। हाँ सर, पर क्यों नहीं निकाला? बड़े घरों में पीए और ड्राइवर्स को निकाला नहीं करते। क्यों सर? क्योंकि हमारे कारने में तुम्हें पता होते हैं, जाकर गाड़ी निकालो। सर अब एमएलए हैं इसलिए आपको चीफ गेस्ट बनाया, हाथ में अंगूठी नहीं गले में चैन नहीं, कुछ तो पहना होता। वो क्या है, भीड़ बहुत है ना, तो कहीं चोरी न हो जाए इसलिए। सर मैंने भी पहनी, आपके गनमैन ने भी पहनी है। ओए सासू माँ के दिए गहने निकाल। हाँ। ओपनिंग पर हीरोइन को भी बुलाया है, हीरोइन के आगे हमें कौन देखने वाला है वेंकी? कोई बात नहीं सर। अरे एमएलए है सर, क्या कर रहे हैं? सुनो, अरे आर यू ओके सर? महिलाओं को देखकर मर्दों की इंसानियत क्यों मर जाती है वेंकी? वो ये भी नहीं देखते कि पैरों के नीचे कोई है। अरे ये क्या सर, गले पर खून? मैंने पहले ही कहा था ना वो सब लूट लेंगे, तो लूट ले गए। अरे मैं एमएलए हूँ यार, तुम कौन हो? तुमने देखा नहीं ना वेंकी, वो तुम्हारी भी चेन लूट कर चले गए। इसलिए मैंने अपनी चेन गले से उतार ली थी। अपना गोल्ड तो सेफ है। रिपोर्टिंग सर। तू कहाँ चला गया था? मुझे लो बीपी है ना सर, क्राउड में सफोकेशन हो रहा था तो अंदर एसी रूम में बैठ गया। तूने ही इसे रखा था ना? ये भी बच्चे वाला है, चलिए ना ओपनिंग में चलते हैं। कैसी ओपनिंग? क्या हुआ वहाँ देख। क्लैप क्लैप। अब ये सब रहने दे, मुझसे नहीं। एक अच्छा रिश्ता देखा है, शाम को 4 बजे उसे देखने जाना है, लेकिन अकेले मत आना, बातचीत करने के लिए किसी शादीशुदा बेवकूफ को ले आना साथ में। समझ गया, कपड़े बदलने का वक्त मिलेगा ना। साड़ी खराब तो नहीं हुई ना? औरत के पहनने के बाद साड़ी हो या आदमी, खराब तो होना ही है। मैं एमएलए हूँ जी। सर हाँ? आपके सिवा मेरा है ही कौन सर, आप जो कहेंगे सही है, बस इस आइटम से सेटिंग बिठा दीजिए। तुम मुसीबत को क्यों इनवाइट कर रहे हो, अभी शादी जरूरी है वेंकी। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मुझे बीवी को कंट्रोल करना आता है। अच्छा सच में वेंकी? दोबारा बोल, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। बीवी को कंट्रोल करना मुझे अच्छी तरह आता है। वेरी गुड, चलो। ये है लड़का। नमस्ते। एमएलए होकर आप पीए जी का रिश्ता लेकर आए? आप साधारण पीए नहीं है, मेरे लिए तो एमएलए आप ही हो। सुनिए जी, आप लोग बात कीजिए, मैं हारिका को लेकर आती हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अरे ये भी मुझे कोई पत्नी पीड़ी सी दिखाई दे रहा है। लड़के की हाइट, वेट, एज? ये सब नहीं पूछते, क्वाइट। ओके, बात तो बहुत अच्छी करते हो, जरा एक गाना गाकर बताओ। ओके, गला ठीक कर रहा है, सच में गाएगा क्या? हम लड़के वाले हैं, क्यों गाएंगे जी? अगर बकरे को परेशानी नहीं है तो दरदार को क्यों? बड़ा आया चमचे जैसा थोपने वाला। मैं एमएलए हूं जी। हाँ, तो मैं क्या करूं? ये नमूने कौन है जी? बड़े बूढ़े हैं, बोलते हैं, आदत हो ना, एडजस्ट होना चाहिए। ये बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों वेंकी? बैकग्राउंड के बिना मजा नहीं आता। तेरे बिन मैं कैसे जिया, देखते ही लव हुआ। क्यों रहे हो? हो गया।
ओहो क्या लड़की है, इसके साथ तो वादियों में गाना गाऊंगा। मुझे लड़के वाले हैं, चुपचाप बैठ जाओ। ये तो कमाल पे धमाल है, सिर्फ धमाल नहीं कमाल ही कमाल है। बैठे बैठे बैठे, क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम लड़के वाले हो, बैठ जाओ। बैठ बैठ, अपनी इज्जत बना कर रखो। दो ही बेटियां हैं हमारी, बड़ी बेटी जॉब कर रही है, माँ और सासू माँ डिस्टर्ब कर रही थी तो छोटी बेटी को हॉस्टल में डाल दिया। तो इन्हें वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए था ना। ठीक है, अगर हारिका से कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। मेरा आपके सिवाय ही कौन, मेरी तरफ से आप ही कुछ पूछिए। जॉब कर रही हो ना, लड़के के आने जाने का समय पता नहीं होगा, इसलिए शादी के बाद जॉब छोड़ दो तो अच्छा रहेगा। नो, आई विल हैंडल इट। जॉब से आपको क्या, शादी के बाद हम देख लेंगे ना, लड़के का सेल्फ रिस्पेक्ट है। मेरा आपके सिवा है ही कौन, आप ही कुछ पूछिए ना। पूछ पूछ पूछ, तुम्हें खाना वाना बनाना तो आता है ना। नो, मैं बात करता हूँ। बनाना नहीं आता तो स्विगी से ऑर्डर कर लेंगे या रेस्टोरेंट से मंगा लेंगे। किस जमाने के क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो मैच ऑलरेडी फिक्स हो चुका है उसकी अंपायरिंग जरूरी है क्या। मेरा आपके सिवा है ही कौन, आप जो पूछेंगे वही से पूछिए ना। लड़के को क्या देंगे आप लोग, बूंदी के लड्डू ऑर्डर किए हैं, राजमा और चावल भी तो बनवाए हैं ना। बूंदी के लड्डू, राजमा चावल। सर राजमा चावल नहीं खा सकते, मुझे गैस हो जाती है। ओए तू जरा बाहर जाएगा। ओके सर। बूंदी के लड्डू कह रही है, खाने के लिए नहीं दहेज में क्या देंगी ये पूछ रहा हूँ मैं। दो ही बेटियाँ हैं हमारे पास, जो कुछ भी है सब इनका ही तो है ना। कितना है, जो दिख रहा है उतना। सुनो दामाद जी, मेरे पैर की पायल भी तुम्हारी ही है, मेरे कानों के झुमके भी तुम्हारे ही है। इनकी चालाकी के आगे तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी, अब यहाँ से चलते हैं। दहेज वो भी सबके सामने। नो, एमएलए होकर दहेज मांगोगे तो सेक्शन 498 के अंडर अंदर जाओगे। मुझे लड़की पसंद है, अब इन्हें कोई क्वेश्चंस पूछने तो पूछने को बोलिए। मैं ऑलरेडी मंडप में बैठी हूँ, दूध में अंगूठी ढूंढ रही हूँ और माँ भी बन गई हूँ। सेम, मैंने भी कॉर्पोरेट स्कूल में मुन्ने को दाखिला दिलवाया है और एमएलए सर ने तो मुझे 1 लाख डोनेशन भी दिया है। अगली पीढ़ी के लिए भी मेरा इस्तेमाल कर रहा है। आखिरी बार हंसते हुए मंगलसूत्र पहना दो बेटा, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मुझे कुछ अलग से क्यों सुनाई दिया। हे, मुझे सोलो फोटो चाहिए, आप सब जाओ ना, सुनो फोटोग्राफर, जीजू को हटाकर हम दोनों की लीजिए। ये क्या, आप इसे पसंद नहीं है, मुझे तो पसंद है ना। You're not the range of honey ना, honey is the best। और बस बस, बस बस और बस बस इतना, सब कुछ गर्मा गर्म बनाया है बेटा, सब कुछ फ्रेश है, पेट भर के खाना। हाँ अब थैंक यू। फिल्म देखो वैंकी। तुम देखो ना, मैं तुम्हें देखूंगा। शहर में सुधार लाने के लिए अपने मुख्यमंत्री चुम्बन लेकर, हाँ क्या कर, अपने देश को अंतरराष्ट्रीय लेवल तक ले जाने के लिए चुम्बन। हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगा, इसलिए इलेक्शन में भी कल चुम्बन लेकर। वैंकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू उधर जाओ। नहीं नहीं, शादी के बाद हम जो प्यार दिखाते हैं उससे बीवियां एवरेस्ट पर चढ़कर बैठ जाती हैं, हम तो कैजुअली नीचे ही होते हैं, वो नीचे नहीं आती ना हम ऊपर जाते हैं, इस गैप में ही वो हम पर नए रूल जताने शुरू कर देते हैं। एक्सपेक्टेशंस। कॉफी कॉफी कॉफी। कैसा है वैंकी? अच्छा है। कितना खराब है, अच्छा नहीं है तो बोल सकते हो ना, सच बोला करो, मैं बस तुमसे यही तो चाहती हूँ। ओके। कैसा है वैंकी? ऑयली है, नमक भी बहुत ज्यादा है। कितने रूडली बात करते हो, मेहनत से बनाया है ना, थोड़ी तारीफ करते, प्यार से बता देते, मैं तुमसे यही तो चाहती हूँ ना, और क्या। नहाने के बाद टॉवल बेड पर नहीं रखते, इतना भी नहीं पता तुम्हें, और ये सोफे पर लाइट्स ऑफ नहीं करते, फैंस ऑफ नहीं करते, इतना भी डिसिप्लिन नहीं है क्या, मैं तुमसे और क्या चाहती हूँ, यही तो चाहती हूँ। फास्ट टिकिंग क्लॉक, अतीत को प्रेजेंट से कंपेयर करके मुंह खोलने पर तुम बदल गए हो कहकर फुटबॉल खेलती हैं। हाय हारिका, 6 बजे मूवी देखने जाना था और तुम 9 बजे आए हो। ऑफिस में बिजी था, 4 o'clock को याद दिलाना चाहिए था ना। पहले तो कभी याद नहीं दिलाया ना। अब पुरानी बातें क्यों निकाल रही हो? वॉशिंग पाउडर लाए हो? ओह शिट। ए नो प्रॉब्लम, कल मेरी ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरी साड़ी तैयार नहीं होगी। थैंक्स। अरे हाँ, मोगरे के फूल लाए हो ना। तुम्हें फिल्म याद नहीं रहती, वॉशिंग पाउडर याद नहीं रहता, पर फूल। वेंकी तुम बदल गए हो, पहले फिल्म देखते वक्त मुझे ही देखते रहते थे और अब सामने से नजर नहीं हटती। वेंकी तुम बदल गए हो, पहले तुम हमेशा मेरे साथ किचन में रहा करते थे और अब तक किचन में आने का नाम भी नहीं लेते। वेंकी
तुम बदल गए हो हर बात के लिए। तुम वॉशिंग पाउडर भी मैं... जो झगड़े होते हैं उन्हें पूरी तरह ओन करके उसे हर झगड़े में अप्लाई करते हैं, इस सर्फ की तरह। कुछ दिन बाद इज्जत में भी बदलाव आते हैं। हारिका, फ्रिज का ठंडा दे दिया, गर्म करके दे सकती थी ना। हेलो, पेट में जाके तो गर्मी होगा ना। पहले पहले तो सब कुछ फ्रेश मिलता था, अब ये सब ठंडा खाना। फ्रेश चाहिए फ्रेश, तुम कौन सा पहले की तरह फ्रेश हो।